हाय एवरीवन, वेलकम और वेलकम टू माय चैनल। सो ये वाला जो लुक है वो है अंकिता लोखंडे का। मुझे एक्सप्लेन करने की या बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि ये कौन है। सो बहुत ही प्यारी है, बहुत ही क्यूट है। तो उनका ये वाला लुक मैंने उनके इंस्टाग्राम से लिया था, जो कि रिसेंटली उन्होंने ये पिक अपलोड की थी, आई थिंक गणेश चतुर्थी की है। तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, बहुत ही सिंपल था लेकिन बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब एक ट्रेडिशनल लुक दे रहा था, तो मैंने इसका रिक्रिएशन किया है। आई रियली होप कि आपको पसंद आएगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लैक्मे की सीसी क्रीम ली है, जो कि 99 रुपीज़ में मिल जाती है। और अपने बेस को सेट करने के लिए मैंने जॉनसन बेबी पाउडर का यूज़ किया हुआ है। उसके बाद सेम जो मेरा फाउंडेशन है, सीसी क्रीम है, उसका अपने आईलेट पे ब्लेंड में कर रही हूँ अच्छी तरीके से। और उनकी स्किन तो इतनी अच्छी है कि आई थिंक उन्होंने बेस भी बहुत ही मिनिमम या तो स्किन केयर किया होगा और हल्का सा कॉम्पैक्ट लगा लिया होगा, क्योंकि मतलब मैंने बहुत बार उनकी लाइव सेशन अटेंड की हुई है, तो उनके मतलब स्किन बहुत ही अच्छी है, बहुत ज़्यादा अच्छी है। तो मैंने बेस को सेट किया है और उनकी आईज़ में वैसा कुछ दिख नहीं रहा था, बिल्कुल न्यूड था, न्यूड टाइप का, हल्का सा पिंकिश मुझे लग रहा था। दैट्स वाई पिंक कोई भी मेरे पास वैसा आई शेडो नहीं है मैट वाला, तो मैंने ये जो ब्लश वाला है इसी को लेकर के अपने आईलिड पे ब्लेंड किया है। उसके बाद ये जो स्किन वाला शेड है ADS की पैलेट में से, इसी को लेकर के मैंने अपने आईलिड पे उसे थोड़ा सा काम डाउन करने के लिए उसके ऊपर ब्लेंड आउट कर लिया। इससे क्या होता है कि जो भी कलर रहता है ना उसका इफ़ेक्ट थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एट द सेम टाइम बहुत अच्छा लगता है। और दोनों आईज़ भी मैंने कर लिया। और आईज़ को टाइट लाइन करने के लिए कोई आईलाइनर नहीं लगाया था, कुछ नहीं था, हल्का सा आई थिंक ना अपर वाटर लाइन पे उन्होंने लगाया था अपने आईलाइनर, लेकिन मुझसे वैसा होता नहीं है, इसलिए मैंने बहुत ही लैशेस के क्लोज काजल लगाया। उसके बाद उसे अच्छी तरह से ब्लेंड किया और उसके बाद आईब्रोज़ को फिल इन कर रही हूँ जो ब्राउन शेड है उसकी, उससे। तो उससे क्या हुआ ना कि जो आई शेडो का जो लुक था, जो आईज़ में मतलब हल्का सा ब्लैक ब्लैक दिख रहा था लाइनर वाला, वो वाला चीज़ मेरा कंप्लीट यहाँ पे हो गया। अगर यहाँ तक आ रहे हो तो वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ वीडियो का लाइक ज़रूर करिएगा और मेक श्योर कि सारे फैंस के साथ ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि उनको भी बहुत अच्छा लगने वाला है ना। उसके बाद यहाँ मैं अपने ब्रोबोन को हाईलाइट कर रही हूँ, जो मेरा पैलेट है उसमें से गोल्डन शेड लेकर हल्का हल्का हाईलाइट कर रही हूँ, जो बचा हुआ है उसे इनर कॉर्नर पे लगा दे रही हूँ। फिर ये ब्लैक शेड को लेकर के अपने लोअर लैशेस पे अच्छी तरह से लगा रही हूँ। उन्होंने भर भर के बहुत ही अच्छा काजल लगाया था, लेकिन अगर आप मेरे को जानते हो तो मैं काजल लवर बिल्कुल भी नहीं हूँ। मुझे काजल लगाना पसंद, क्योंकि उससे क्या होता है ना, मेरी जो अंडर आइज़ है ना वो ब्लैक ब्लैक अलग से दिखने लगती है, मुझे बिल्कुल नहीं अच्छा लगता है वो चीज़। इसीलिए मैंने सिर्फ ब्लैक आई शेडो से सिर्फ लुक रिक्रिएट करने के लिए ये वाला किया है। और पिंक कलर का ब्लश मैंने लगाया है और उसके बाद ये वाला हाइलाइटर मैं लगा रही हूँ, जिससे बहुत ही अच्छा वाला मतलब एक ग्लॉसी इफेक्ट आ रहा था, जो कि बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। आप तो देख ही रहे हो कि कैसा लग रहा है ना। और अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के साथ में और भी अच्छा लगता है ये, ट्रस्ट मी। मान के देखोगे तो बहुत ही कम प्रोडक्ट्स में लेकिन बहुत ही सुंदर लुक रिक्रिएट हो गया है, मुझे बहुत पसंद आया ऑनेस्टली। उसके बाद यहाँ पे मैंने डस्ट ऑफ कर दिया सारे। और पिंक कलर का मेरे पास लिपस्टिक नहीं था, तो मैंने ये वाला लिप लाइनर लगाया है जो कि है NYN का। और हेयर स्टाइल के लिए यहाँ पे मैंने क्या किया है, मिड पार्ट किया हुआ है और यहाँ से हल्के हल्के बाल लेके इसे रोल आउट कर लूँगी, है ना। ये देखिए किस तरह से कर रही हूँ, बहुत ही थोड़े थोड़े बाल लेकर के इसे रोल 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 एंड पीछे में हेयर पिन की हेल्प से टाइटल कर दूंगी, है ना। और सेम चीज़ मैंने दोनों साइड कर लिया है। उसके बाद एक बन बनाना है, जुड़ा बनाना है, और जुड़ा के लिए मैंने ये देखिए यहाँ पे सारे बाल ले लिए हैं, उन्हें गोल गोल राउंड राउंड कर दिया है। आप यहाँ पे चाहो तो हेयर पिन रबर बैंड सिक्योर कर सकते हैं, लेकिन मैंने सिर्फ क्लेचर से सिक्योर कर दिया है। और ये देखिए मेरे पास ईयर रिंग्स तो थोड़े सिमिलर थे, ड्रेस नहीं हो पाया, उसके लिए आई एम रियली सॉरी। अगर आपको अच्छा लगे तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।